तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जियो मार्ट ऑर्डर कैंसिल ऑटोमेटिकली। आपका जियो मार्ट से आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो तो आपका कैंसिल हो जा रहा है बार बार। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी, मैं भी अपनी स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर रहा था बट ऑर्डर करने के बाद बार बार कैंसिल हो जा रही थी, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रही थी। तो जो स्टेप फॉलो करके मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया वो स्टेप आपको भी बताने वाला हूँ, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कि जियो मार्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑर्डर्स पे क्लिक कर देना है। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपको कैंसल्ड, आपको उस पर क्लिक करना है, जो आपका ऑर्डर कैंसल हो जा रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइड नीड हेल्प करके शो हो रहा होगा, आपको नीड हेल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पर अपने यस नीचे आपको यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा होगा राइज अ रिक्वेस्ट, आपको राइज अ रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। राइज अ रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना प्रॉपर फर्स्ट आपको अपना यहाँ पर नेम ऐड कर लेना है एंड मोबाइल नंबर ऐड करना है, ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ऐड करके यहाँ पर आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल में फर्स्ट आपको यहाँ पर अपना नेम लिख लेना है, जो आपका नेम रहेगा आपको यहाँ पर अपना नेम लिख लेना है। एंड नीचे साइड आपको यहाँ पर आपका ऑलरेडी मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर है आपका जियो मार्ट में, ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर रहेगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ईमेल में आपको अपनी ईमेल आईडी, अपनी जो ईमेल आईडी रहेगी आपको यहाँ पर वो एंटर कर लेनी है। एंड नीचे ऑर्डर डिटेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑर्डर आईडी आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड जो आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा था बार बार, आपको वहाँ से उसकी आईडी, ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। जैसे आप ऑर्डर आईडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ जाएगी, आपको इसको एंटर कर लेनी है। एंड नीचे सिलेक्ट शिपमेंट आईडी, तो आपको सिलेक्ट शिपमेंट आईडी पर भी क्लिक करके को एंटर कर लेनी है। एंड सिलेक्ट ऑप्शन आपको उस पर क्लिक करके यहाँ से जो आपका आइटम था, प्रोडक्ट था, आपको उसको भी सबमिट कर देनी है। एंड फिर आपको यहाँ पर नीचे इशू डिटेल्स करके शो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट लिखना है। तो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ऑर्डर कैंसल्ड ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम, जो आपका ऑर्डर कैंसल हो रहा है बार बार उसकी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सब्जेक्ट में ऑर्डर कैंसल्ड ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम। एंड फिर आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है माय ऑर्डर वाज कैंसल्ड ऑटोमेटिकली, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। आपको यहाँ पर लिखना है माय ऑर्डर वाज कैंसल्ड ऑटोमेटिकली, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद एंड डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको एक बार पूरा कन्फर्मेशन कर लेना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आपको यहाँ पर अपना पूरा नेम आपको चेक कर लेना है, आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कर लेना है एंड ईमेल आईडी आपको चेक कर लेनी है। एंड ऑर्डर डिटेल में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जो आपका बार बार ऑर्डर कैंसिल हो रहा है आपको यहाँ पर वही ऑर्डर आईडी की डिटेल डालनी है। ये सब चेक करने के बाद, ये सब कंफर्मेशन करने के बाद आपको यहाँ से नीचे सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। तो आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपको विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था ऑर्डर कैंसल्ड होने में, तो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप अभी ऑर्डर करना तो ऑर्डर करके चेक करोगे कि आपका अभी ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।